अब जनरली बच्चा सामने बैठा है, मैं पूछूंगी आप पनीर क्यों नहीं खाते, क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम है पनीर खाने में, आपको पनीर टेस्टी नहीं लगता? डॉक्टर आंटी मम्मा बनाती नहीं है और जिस दिन बनाती है पापा सारा फिनिश कर जाते हैं। विजडम आएगी नहीं आएगी ये तो हमें पता नहीं, पर आएगा कभी, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो फिर अब रबानी रोस्टिंग शो है, ये तो गलत हो रहा है। I'm very sorry, खुद पे नहीं यूज करना, नहीं करनी, ये और खराब हो जाएंगे। ये भी नई चीज बता रहे हैं आप, टूथपिक नहीं यूज करना, या तो फ्लॉस करो। करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेटर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे और आपको उतनी ही बेटर वैल्यू दे पाएंगे। ऑल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस एपिसोड, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल और यूट्यूब पे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो, ताकि हम आपको बेटर इन्फॉर्मेशन दे पाए। ऑल्सो हमारे इंस्टाग्राम पे हम इस बड़े से एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालेंगे, जिसमें आपके बिजी से शेड्यूल में हम आपको कम से कम टाइम में बहुत सारी वैल्यू एंड एडिशन दे पाए। निधि चौधरी गोसाइन से एक ऐसी किड्स डेंटिस्ट जो क्रिएटिविटी का जादू बिखेरती है। BDS, MDS, इम्पीडोडोंटिक्स के साथ साथ एक कथक डांसर जो अपने डेंटल प्रैक्टिस में कला का रंग बिखेरती है। वेलकम निधि दीदी टू हमारा जॉली अंकल टॉक शो। हाय रबानी, हाउ आर यू? हेलो अंकल। हेलो, वेलकम जी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम निकाला। एक्चुअली जो आपका फील्ड है इतना स्पेशलाइज्ड है और लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और पता नहीं हमारी सोसाइटी में क्यों ये दिक्कत है कि वो हेजिटेट करते हैं, जाके ऐसी बातें डिस्कस नहीं करते, तो उस वजह से बहुत सारे इश्यूज थे। तो इसलिए आज हमने डिसाइड किया और रिक्वेस्ट किया आपको कि आप आइए, प्लीज ये क्लैरिफाई कीजिए बहुत सारे डाउट्स, स्पेशली रवानी के, इसकी फ्रेंड्स आती हैं और इसकी छोटी सिस्टर रवानी, उसके साथ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो आज प्लीज हम वो गाइडेंस आपसे लेना चाहते हैं, तो उन्हीं पे बात करेंगे। तो रवानी आप पहला डाउट बताइए, अपना क्वेश्चन क्या पूछना चाहती हैं? सबसे पहले तो हम सब बच्चों को बचपन से एक चीज बताई जाती है कि अगर दांत टूटे तो उसको पिल्लो के नीचे रख के सो जाओ, अगले दिन सुबह टूथ फेरी आएगी, आपका दांत लेके जाएगी और आपको गिफ्ट्स और पैसे देके जाएगी। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही से ही है कि क्या टूथ फेरी सच में आती है, और इसके अंदर एक सब क्वेश्चन है, लेकिन पहले मैं आपका आंसर सुनना चाहूंगी एज अ डेंटिस्ट। आपके पास टूथ फेरी आई हुई है? ये बात तो है। और अगर कभी ना पहुंच पाए तो बिल्कुल सांता क्लॉज की तरह आती है। जैसे सांता क्लॉज आते हैं वैसे ही टूथ फेरी आती है, कभी मम्मा पापा बन के तो कभी मेरे जैसी टूथ फेरी बन के। अच्छा, अब इसके अंदर जो मेरा एक सब क्वेश्चन था कि बच्चों के दांत जब टूटते हैं तो उस टाइम सबसे ज्यादा, मतलब कौन सी स्पेसिफिक एज होती है जब बच्चों के दांत सबसे ज्यादा टूटते हैं और बच्चों को होता है मेरे दांत टूट रहे, मैं बड़ा हो रहा हूँ? सिक्स इयर्स इज द एक्चुअल एज जब आपके मिल्क टीथ फॉल करते हैं एंड परमानेंट आने लगते हैं। 6 months ऊपर नीचे चलता है, we take it normal, but 6 years is a very perfect and the normal age that we take it. जब आपका दांत, जब आपका भी दांत गिरा होगा, that would be 6 years. जब आपका lower teeth गया होगा, permanent आया होगा, और molars, जो हमारे molars हैं, जो first time erupt करते हैं, that also erupt at the age of 6 years. यहाँ मैं एक चीज पूछना चाहूँगा, dentist में, medical field में बहुत सारी branches हैं, dentist में भी बहुत सारी हैं। आपने ये बड़ा स्पेशलाइज फील्ड बच्चों का ही क्यों चुना, और इस फील्ड में यहाँ तक जो सक्सेस आपने अचीव किए उसमें क्या क्या चैलेंज आपको आए? अंकल टू बी वेरी ऑनेस्ट, पीरियोडोंटिक्स चूज करने का एक ही रीजन था मेजर जी। इतने प्यारे क्वेश्चंस मिलते हैं, आप घर से निकले हो, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है, इतने प्यारे बच्चे छोटे छोटे मिलते हैं, आप सब बातें भूल जाते हो, उनकी बातों में आप खुश हो जाते हो और वापस आपका रूटीन एक फ्रेश, लाइवली और एक हैप्पी हो जाता है। And always giving smile to kids is better than giving smile to, I feel, the younger ones. बड़ों को तो कुछ भी बात समझा सकते हैं।
बच्चों को नहीं समझा सकते। मैं रबानी को ऐसी छोटी सी बात समझा दूं नहीं समझेगी, जब तक मैं उसको लॉजिक नहीं दूंगी एक अच्छी बात नहीं दूंगी। और मे बी समटाइम्स चॉकलेट एज़ वेल, आई वुड लव सम चॉकलेट, मेरा तो है स्वीट। तो आपने बच्चों की बात की, तो अभी तक सबसे जो छोटी एज का पेशेंट है वो किस एज का आपने ट्रीट किया? 45 डेज अंकल, उसमें दांत आ जाते अंकल? उसमें परेशानी यही थी कि बेबी वॉज बॉर्न विद 45, बॉर्न विद टू टीथ, लोअर के दो दांत थे। और जब ये दो दांत इरप्ट होते हैं बच्चे में तो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि मोबाइल होते हैं, मतलब हल्के फुल्के हिल रहे होते हैं। एंड प्लस जब बेबी सफल करता है दूध पीने में तो उसकी लोअर लिप और टंग अंडर टंग पे जख्म हो जाते हैं। सो वी नीड टू एक्सट्रैक्ट देम, हमें वो दांत निकालने पड़ते हैं। तो ये हम देख सकते हैं 15 डेज के बच्चे से लेके अप टू 45 डेज तक जी। तो तब ये इरप्ट होते हैं। जब रेगुलर आप खाना, जब आप बॉटल फीड ले रहे हो, मदर फीड ले रहे हो, तब आप देखते हो वो दांत है। तो यूजुअली पीडियाट्रिशियंस आर द फर्स्ट पीपल हु गो थ्रू द किड्स सबसे पहले। तो पीडियाट्रिशियंस एंड पीडोडोंटिक्स गो हैंड इन हैंड। जब तक वो रेफर नहीं करते हैं तो इंडियन पॉपुलेशन या जनरल पॉपुलेशन क्या समझती है कि भाई ये दांत तो टूटे हैं, क्या जरूरत है ट्रीटमेंट के लिए? तो जैसे आपने बोला अवेयरनेस की बहुत कमी है जी। अवेयरनेस लाना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अब अगर हम टेक्नोलॉजी में बढ़ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वी नीड टू एनहांस एंड एडवांस इन मेडिकल एंड देन वी फील एज वेल। आज ये जो प्रोग्राम भी हम कर रहे हैं, इसी तरह मैंने पहले भी कुछ पर्सनैलिटीज को बुलाया। एक डेंटल सर्जन डॉक्टर उमेश सहगल आए थे, उनका 52 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मेरी कोशिश बेसिकली ये है कि हम मैक्सिमम अवेयरनेस और अलर्टनेस सोसाइटी में क्रिएट कर सके, इसीलिए आज आपको भी हमने इनवाइट किया, तो बहुत अच्छा लगा जी रबानी। अभी जैसे हम बात कर रहे थे जो टीथ हमारे गिरते हैं, टीथ फॉल होते हैं, हाँ, तो अगर किसी बच्चे का दांत SOS में गिर जाए, मतलब एकदम अचानक से गिर जाए, चोट लगी और फिर गिर गया, निकल आया बाहर, हाँ, मतलब दांत अलग हो गया और ब्लीडिंग हो रही है, तो बच्चे को दर्द तो लगता है कि मेरे को चोट लगी है, मेरा दांत है, तो उस टाइम पेरेंट्स क्या करते हैं? सबसे फर्स्ट चीज एज अ मेडिकल इमरजेंसी हमें क्या करनी चाहिए, सबके घर में फर्स्ट एड होता है ना, और सबके घर में दूध होता है ना। अगर आपका दांत निकल आता है गिरने से किसी भी चोट से, दांत लीजिए, दूध में डिप कर दीजिए एंड रन टू योर इमरजेंसी टू योर नियरेस्ट डेंटिस्ट। वो दांत वो वापस रीइम्प्लांट कर देंगे एंड उसको फिक्स कर देते हैं। And we wait for further progression. कि how is the tooth responding? उसको dry environment नहीं चाहिए, उसे wet environment चाहिए। हमारे मुंह में थूक है, saliva है, so it is wet है। तो जब मुंह निकल आए, तो उसको ये नहीं कि साबुन से रगड़ रगड़ के धो रहे हैं इतनी देर में, मम्मा रगड़ रगड़ने में लगी हुई है तो दूध गंदा हो गया, no. Dip it in the cold milk water या फिर coconut water, easiest है ये। आप उसमें रखिए and rush to the nearest dentist. Get it re-implanted and a lot of times the prognosis is really very good. तो मतलब वो जो दांत निकला वो वापस से जुड़ जाता है, कनेक्ट हो जाता है, वो वापस अपने आप को re-implant कर लेता है। And I have done such cases as well, जिसमें मान लीजिए बच्चा गिर गया, टिप टूट गई, ये आगे की टिप टूट गई, है ना? तो पेरेंट्स लेके आए वो टिप और हमने वो टिप वापस जोड़ दी and he and she is having a perfect normal smile. ये तो वही बात हो गई जो गिरी हुई चीज है उसको उठा के वापस लगा सब ठीक हो जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को ये जो चीज आपने आज बताई है शायद मैक्सिमम पेरेंट्स को और बच्चों को नहीं पता होगी, तो डेफिनेटली ये बहुत बड़ी उनके लिए हेल्प होगी। कि अब इस तरह के जो बच्चे आ जाते हैं, जो इस तरह के इमरजेंसी में आ जाते हैं, नेचुरली पेन भी होता है, परेशानी भी होती है, तो उनको ट्रीट करने के लिए क्या कोई स्टोरी सुनाते हो, क्या कुछ थोड़ा सा डर दिखाते हो, ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, कैसे? मतलब कि बहुत ही सेंसिटिव इशू मुझे लग रहा है जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैसे हैंडल करते हैं आप प्लीज? अब्दुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसमें जितना हम टाइम ज्यादा लेंगे उतना रिजल्ट का प्रोग्नोसिस कम होता है जी। बच्चा ऑलरेडी क्रैंकी है, चोट उसे लगी हुई है, तो इस टाइम पे अगर बेबी छोटा है तो वी स्टार्ट सिंगिंग राइम्स एंड पेरेंट एज अ पेरेंट वो बच्चे को पकड़ते हैं एंड वी री इम्प्लांटेड,
बिकॉज जितना आप ज्यादा टाइम लेंगे उतना वो टिश्यू ड्राई होता जाएगा, री इम्प्लांट का टाइम खत्म हो जाएगा और उसकी प्रोग्नोसिस कम होती जाएगी. तो वहां पे ऑनेस्टली इट्स मोर ऑफ अ फोर्स रादर देन री इम्पेरेंटिंग और डूइंग एनीथिंग इन अ पीसफुल मैनर. अच्छा, जैसे अभी आपने बताया ना कि हम लोग बात कर रहे थे तो आपने नीचे चॉकलेट का नाम लिया. चॉकलेट मेरा स्वीट टूथ भी बहुत है, मेरा स्पाइसी टूथ भी बहुत है. मतलब मैं घर में सबसे ज्यादा एक्सट्रीम्स है. मेरे को चॉकलेट चाहिए तो मुझे कम से कम दो चॉकलेट तो चाहिए, मैं खाऊंगी एक ही बारी. और अगर स्पाइसी, मैं घर में सबसे ज्यादा स्पाइसी खाती हूँ. मतलब मेरे को सब कहते हैं मिर्ची कम खाया था. तो जो मैं इतना स्पाइसी खाती हूँ, इतना मीठा खाती हूँ, इसका मेरे टीथ पे क्या असर पड़ रहा है कि नॉट जस्ट मी, ऑल माई फ्रेंड्स सबका बहुत एक्सट्रीम्स केस है. मतलब दोनों स्पाइसी भी चाहिए और स्वीट भी चाहिए. तो इसका सबसे ज्यादा क्या असर पड़ता है कि हमें कितनी बार खानी चाहिए कि हमारे दांत जो है वो ठीक रहे. बिल्कुल ही स्वीट टूथ तो सब में होता है. ये यंग जनरेशन है जिसमें स्पाइसी टूथ भी मैंने सुना है. मेरा तो बहुत है, बहुत है. देखो, एक तो एक्सट्रीम दोनों चीजों की गलत है. वेदर इट्स डेंटल, वेदर इट्स हार्मोनल, वेदर इट्स मेडिकल, एनीवेज एक्सट्रीम्स इज हार्मफुल. सेकेंड चीज, आई वुड सजेस्ट एडवाइस प्रिस्क्राइब टू एवरीवन अराउंड, बच्चों को छोटी छोटी ट्रीट्स देना बंद कीजिए. अब सुबह नाश्ता हो गया, अब पढ़ाई नहीं हो रही, समर ब्रेक में चलो एक थोड़ी सी चॉकलेट दे देती हूँ तो पढ़ने बैठ जा. शाम को आए होमवर्क नहीं हो रहा, चलो एक चॉकलेट और दे देते. नहीं, या आपका टिफिन पैक हो रहा है तो उसमें जा रही है. फिक्स डे, फिक्स हाउ मच स्वीट्स यू वॉन्ट टू गिव. End of the day, sweets are nowhere good for your health. guilty pleasures ko fix a day for yourself. Have a big chocolate once. Achche se kha lo, raj ke, ek bar. But not every now and then. Because jab aap every now and then kha rahe ho, tumhare molars mein embrasures hote hain, depth hoti hai. Wahan khana fasega. चाहे वो स्वीट है, चाहे स्पाइसी है, चाहे चीजी है, चाहे एनीथिंग है, जंक है, चाहे हेल्दी भी है, खाना फंसेगा ही फंसेगा. ठीक है. द ओनली थिंग इज विद स्वीट्स द प्रोग्नोसिस, द आउटकम, द रिजल्ट्स फास्ट अप फॉर द केरीज. सॉल्टी या स्पाइसी होगा तो उसमें थोड़ा सा लो डाउन हो जाता है. इनिशिएशन जिसे हम कहते हैं इन आवर टर्म्स, इनिशिएशन ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो स्वीट में ज्यादा जल्दी करती है और सॉल्टी में कंपैरेटिवली कम करती है. तो इसलिए एक बार खा लो, बढ़िया से रिंस करो, कुछ मुंह में चिपका नहीं होना चाहिए. ऑफ कोर्स नॉट इमीडिएटली, क्योंकि फिर आप कहोगे मजा ही नहीं आ रहा है, तो इमीडिएटली कुल्ला करवा दो. स्वाद ही नहीं आता, स्वाद ही नहीं आता. थोड़ी देर तक चॉकलेट का टेस्ट है, हाँ चॉकलेट तो खाई. तो इसमें एक छोटा सा फंडा है, हम पढ़ते थे, आप गूगल भी कर लो, तो स्टीफन्स कर्व कहते हैं, दैट इज अप टू 45 मिनट्स. तो आप मोटा मोटा 30 मिनट्स लेके चलो. आप एक्सट्रीम 45 मिनट्स में बोलूंगी तो आप 1.5 घंटे बाद जाओगे कुल्ला करने. तो आधा घंटा लेके चलो, आधे घंटे के बाद अच्छा से कुल्ला करो, चेक योर सेल्फ इन द मिरर, कहीं कोई फूड लॉजमेंट तो नहीं है, एंड डन, दैट्स ओके. बट नॉट एवरी डे. आपको घर पे हर रोज जंक नहीं मिलता, तो आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मैं आपको कह दूं रोज चॉकलेट खाओ, एक नहीं चार खाओ, ऐसे नहीं. इसी से ना एक जुड़ा हुआ और मेरे सवाल आ रहा है कि जब बच्चों के दांत टूटते हैं और एक बार दांत टूट गया और दूसरे दांत आने में थोड़ा टाइम लगता है, उसके बीच में क्या प्रिकॉशन लेने की जरूरत होती है? क्योंकि कई बार बच्चे जीभ बार बार टच करके उसके गम्स की शेप को खराब कर देते हैं या वो ऑटोमेटिकली खराब हो जाती है, जिससे कि बाद में जो परमानेंट टीथ आते हैं तो वो प्रॉपर शेप में नहीं होते. तो उस टाइम क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं या क्या नुकसान हो सकता है उससे, उस स्टेज को कैसे मैनेज करें? अंकल, उसे हम कहते हैं मिक्स डेंटेशन स्टेज. जब आपका मिल्क टीथ जा रहा है और परमानेंट आ रहा है. हाँ जी. और बहुत बार 6 to 12 इयर्स ऐसा होता है जब आपका एक एक दांत जाने लगता है और नया दांत आने लगता है. 6 इयर्स से आपके परमानेंट दांत आते हैं और अप टू 12 टू 13 इयर्स वो कंटिन्यू रहता है वो प्रोसेस. दैट इज अ लॉन्गर प्रोसेस देन द मिल्क टीथ. दांत भी ज्यादा है, मिल्क टीथ 20 थे तो 2 साल में आ जाते हैं. 32 है तो ज्यादा टाइम लेंगे, पता चलेगा आपको कि भी ज्यादा ज्यादा काम करवा रहे हो आप उनसे. पहली चीज. दूसरी चीज अंकल, ये नेचुरल चीज है कि बच्चे टीथ टंग लगा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, उसमें ये है कि रिंस कीजिए और
गम्स अपनी अपनी फॉर्मेशन वापस वही ले लेते हैं, सेम स्कैलोप जिसे कहते हैं, स्कैलोपिंग गम साइज होता है वो सेम अपनी शेप में आ जाता है। रही बात अलाइनमेंट की, अलाइनमेंट जरूर डिफर कर जाती है बट वो आपका प्री प्लान्ड है, वो होना ही है। प्यूबर्टी हम मान के चलते हैं कि कई बार आप प्यूबर्टी हिट करते हो तो उसमें जॉ ग्रोथ आपकी एनहांस हो जाती है, इसलिए हम बहुत बार वेट करते हैं 11 टू 12 इयर्स का, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सेकंड प्यूबर्टी बॉयज एंड गर्ल्स हिट कर चुके हैं और मैक्सिमम जॉ ग्रोथ हो चुके हैं, इसलिए हम कहते हैं कि यार दैट इज द बेस्ट टाइम कि आप ऑर्थो ट्रीटमेंट करवा लीजिए। जितना आपका जॉ ग्रो करना था वो कर चुका है, अब इससे ज्यादा ग्रो करेगा नहीं, मैक्सिमम नंबर ऑफ हमारे पास परमानेंट टीथ आ चुके हैं, नाउ वी नो हाउ मच स्पेस वी नीड। अगर दांत आगे पीछे है तो जब तक उसमें स्पेसिंग नहीं होगी, मैं स्पेस नहीं क्रिएट करूंगी तो उनको धक्का देके लाइन में कैसे लाऊंगी। तो मुझे खुद को इतना बड़ा वो भूत डर है ना कि क्यों है, I need to ask you this क्यों है डर? बस है, I just feel कि braces ना मेरे लिए ऐसे braces ना मेरे को अनइजी करते रहेंगे 24/7 की क्यों है मेरे दांत में कुछ external, I do not want। यार ना मैं दो चीजें आप पूछना चाहूँगा, एक तो कुछ आजकल एक तो मैंने ऐड देखी जिसमें वो प्लास्टिक के वो आपने धर्म पकड़ लिया कि हाँ मैं इसको इतना टाइम पहनूंगा, देन ओनली इट्स हेल्पफुल। हम सोचेंगे हम मस्ती में करेंगे, आ गया अब जब मन किया तब लगाएंगे, जब नहीं किया तब नहीं लगाएंगे, देन इट विल नॉट गिव यू गुड रिजल्ट्स, इट विल नॉट गिव यू। जो ये डर रही है ना जिस वजह से, इसके एक फ्रेंड ने एक्चुअली वो ब्रेसेस लगवाए थे, तो एक बार वो आई घर पे मुलाकात हुई, फिर पाइचर्स काफी टाइम के बाद आई, वो अभी भी लगे हुए थे, मैं क्या बात है अभी तक लगे हुए आपने क्लियर नहीं किया, कहती जो मेरे डॉक्टर है ना उनको शायद लगाने आते हैं और उनको हटाने नहीं आते। अब पता चला मैंने पीडो क्यों चूज करी थी, इसीलिए। देखो आपको बैठे बैठे बहुत आ गई ना, ऐसे हम सारा दिन सोचो हंसते रहते हैं, कभी कुछ बात पे कभी कुछ बात पे। क्या बात, क्या बात। अच्छा अब जैसे आप बता रहे हो तो जब मी माई सेल्फ मैंने बहाना दिया हुआ है आपको मेरे को नहीं कराना अपने ब्रेसेस, तो जब आपके पास बहुत छोटे बच्चे आते हैं मतलब जिनका मतलब सिर्फ ब्रश वाला और गोज वाला होता है, आपने उनसे सबसे बेस्ट बहाना क्या सुना है कि मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं कराना है? हम यूजुअली बोलते हैं बच्चों को, पेरेंट्स को कि ज्यादा पानी पियो, ज्यादा नट्स खाओ, सौंफ खाओ, और कई बार पेरेंट्स हमें बोलते हैं कि दूध नहीं खाते, दूध नहीं पीते, पनीर नहीं खाते, तो अब जनरली बच्चा सामने बैठा है मैं पूछूंगी आप पनीर क्यों नहीं खाते, क्या बात हो गई, क्या प्रॉब्लम है पनीर खाने में, आपको पनीर टेस्टी नहीं लगता? डॉक्टर आए मम्मा बनाती नहीं है और जिस दिन बनाती है पापा सारा फिनिश कर जाते हैं, तो बताओ अब ये इस बहाने पे मैं क्या बोलूं, फिर मैं मम्मा को देखती हूँ, मम्मा बोले मैम आप कैसी बात है, आप इन बातों पे फिर रहेंगे, ये यही है मेरा प्राइम, इसी को मैंने बिलीव करना है। वैसे दांत अगर लगाने ठीक से मेंटेन किए जाए और जैसे ये गाइड कर रहे हैं उस तरह से प्रॉपर शेप में हो, तो इसका ना सबसे जो बड़ा फायदा है कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, स्माइल बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, स्माइल में आपका बहुत चेंज आता है, फेस स्ट्रक्चर में बहुत चेंज आ जाता है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब ब्रेसेस लगते हैं सर अंकल आधा इनका जंक फूड कम हो जाता है, जिसके लिए आप मेहनत करते रहते हैं वो हम ऐसे ही कम करवा देते हैं, चॉकलेट भी बंद कर दोगे? नहीं नहीं चॉकलेट अलाउड है, मुझे बचपन अच्छी तरह याद है, रजौरी गार्डन में रहते थे और घर के बाहर ही ना नीम का पेड़ लगा हुआ था, तो शाम को ही
या सैटरडे को किसी दिन संडे को तोड़ के काफी सारे रख के तो उसे पानी में डाल देते, तो मॉर्निंग में जो जो उठता था एक एक वो दातुन लेता था, और अगर कभी नहीं तोड़ पाए या जैसे नहीं हुआ तो वो मार्केट से उनकी शाम को आते हुए साइकिल होते थे सबके पास, तो रोड साइड पे नहीं शाम को दातुन बेचने वाले बैठते थे, वो 10 पैसे के 2, 10 पैसे के 3 मतलब की वो दातुन, और मॉर्निंग में सैर करने निकल जाना, और शायद उसी वजह से आज तक हमारे दांत अभी ठीक है। हालांकि मेरे 3 निकल चुके हैं, वो मेरी अपनी गलती से हुए। एक तो एक दिन टूथपिक नहीं था, कुछ फंस गया, तो ये जो मेरे पास एक वो सिलाई सी पड़ी थी मैंने उसको किया, तो उससे वो इन्फेक्शन इतना हो गया कि उसको निकालना पड़ा। अंकल आई एम वेरी सॉरी, टूथपिक नहीं यूज करना, नहीं करनी, नहीं और खराब हो जाएंगे। ये भी नई चीज बता रहे हैं आप, टूथपिक नहीं यूज करना, या तो फ्लॉस करो या इंटरडेंटल ब्रश यूज करो। इंटरडेंटल ब्रश क्या होता है? इंटरडेंटल ब्रश टू बी वेरी प्रिसाइज इन लेमैन्स लैंग्वेज, आप घर में बॉटल क्लीन करते हैं? करते हो बॉटल क्लीन? करिए कभी। हां हां, जो गोल वाला ब्रश, गोल वाला ब्रश होता है उसी का एक बहुत छोटा सा वर्जन होता है, वेरी स्मॉल, फिंगर साइज होगा, और अगर आप उसकी एक्सटेंशन लेने चलो तो वो अलग अलग होता है, वेरी सॉफ्ट, वेरी स्मॉल, जो दांत के बीच के स्पेसेस होते हैं उन्हीं में ही जाएगा, स्लोली जाएगा और सारा फूड लॉजमेंट निकाल देगा। टूथपिक्स शुड नॉट बी यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ये बहुत अच्छी बात बताई। अब मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ, आपने ये ब्रश भी रखा हुआ है कि हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं और ब्रश यूज करते हैं, इन दोनों में से इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, टूथब्रश का या टूथपेस्ट का? अंकल टू बी वेरी ऑनेस्ट दोनों चीजें, जैसे हमें जीने के लिए हवा पानी दोनों चाहिए जी, वैसे ये दोनों चीजें हमें चाहिए। खाली ब्रश विल नॉट हेल्प एनीथिंग, सिर्फ साफ कर देगा बट उसको रीमिनरलाइज या दंत से फ्री नहीं करेगा। हमारे कपड़े पे दाग लगता है तो हम सोप लगाते हैं, बिल्कुल ठीक, पानी से साफ नहीं होता। सेम गोज फॉर आवर टीथ, खाना फंस रहा है, खाना चिपक रहा है तो खाली ब्रश से निकल तो जाएगा बट स्टेन्स भी तो होंगे, फॉर दैट वी नीड टूथपेस्ट एज वेल। तो बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, हम किसी एक पे रिलाई नहीं कर सकते, हम सोचें कि चल ब्रश खराब हो गया हम इस बार नहीं लेंगे, हम खाली टूथपेस्ट से काम चला देते हैं। खाली टूथपेस्ट आप फिंगर पे लगा के देखिए और क्लीन कीजिए, यू विल नॉट फील क्लीन, टाइडी, फ्रेश। एक टूथपेस्ट ये टूथब्रश जो है अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम यूज करना चाहिए? कुछ लोग तो एक बार लेके आते हैं ना तो वो तो ये कहते हैं कि बस जन्म जन्म का साथ है, इसको साथ ही रखना है, चाहे उसके आधे बाल भी निकल जाएंगे तब भी वो जिसके पास जितना होता है उसने भी मजे लेना चाहता है, वो वाली बात है। जैसे गंजा होता है उसके 3 बाल होते हैं फिर भी गंजी करता है तो वही है, ब्रश है तो हम चलाएंगे, इसकी जान सूख जाए पर हम इसे चेंज नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। लास्ट में जब इस ब्रश के सारे बाल उड़ जाते हैं फिर नाड़ा डालेंगे। नाड़ा डालेंगे, आई वाज अबाउट टू से दिस एंड यू जस्ट क्लिप इट। भाभी आपके और भी बहुत सारे सवाल थे, पूछो आप क्या कहना चाहते हो। आप जैसे अभी दीदी का ना फ्लॉस, तो मतलब फ्रॉम माय एज या मैं से बड़े या मैं से छोटे बच्चे जो है लाइक टिल टीनेज, हमें फ्लॉस यूज करनी चाहिए कि नहीं? फ्लॉसिंग आपको यूज करनी चाहिए अगर आपको लग रहा है कि खाना फंस रहा है। फ्लॉसिंग एवरी डे इज ऑलवेज अ बेटर थिंग फॉर यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल गिव यू प्राइम इंपॉर्टेंस, गिव यू प्राइम इंपॉर्टेंस बिकॉज प्रभावी जॉली विद जॉली अंकल प्राइम शो है, तो यू शुड बी गिवन इंपॉर्टेंस इन ऑल मैटर्स। नहीं मतलब वो तो ठीक है बट ये तो मुझे खुद को गिल्टी हो रही है कि अब तो कराऊंगी मैं। आज इस प्रोग्राम का ये फायदा है, अगर आपने इसको मोटिवेट कर दिया तो मुझे लगता है कि आज हमारी बहुत बड़ी सक्सेस हो जाएगी इसमें। आई एम सॉरी, यू विल ऑलवेज ऑलवेज तो नहीं, इन दिस मैटर यू आर गोना रिसीव फेलियर, कि मुझे अभी इंपॉर्टेंट लगता है। आई डोंट थिंक सो, सूनर और लेटर समझने वाली बात है, सूनर और लेटर यू हैव टू डिसाइड by doing the treatment, these are the prawns. Prawns में ये है कि cavity कम होगी क्योंकि दांत align हो जाएंगे, food lodgement कम होगी, smile better हो जाएगी, of course. तो ये आपको pros मिलेंगे, of course. ठीक है, थोड़े time का discomfort है. I will not say it is a very beautiful journey. I will not say. Yes, with everything comes some pros and some cons.
और हम दिन में अभी बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले विजडम टीथ की, कि विजडम टीथ आ गया या विजडम टीथ चला गया, जब विजडम टीथ आता तो क्या ऐसे बच्चों के सच में विजडम आ जाता? इस मामले में बहुत लकी है हम कि आज ये वर्ल्ड में अकेली है जो वर्ल्ड की सारी लैंग्वेज पढ़ सकती है. मतलब कि अब नॉर्थ इंडिया में मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म, जून जुलाई में ऑलमोस्ट कोई भी वीकेंड ऐसा नहीं था इसका जबकि ये कहीं ना कहीं एज ए स्पेशल गेस्ट इनवाइटी नहीं थी. मतलब इसका इतना तो बिजी शेड्यूल रहता है, तो इसके लिए ऐसी पर्सनैलिटी के लिए तो बहुत करवाना बहुत जरूरी है. जैसे मेरे खुद के टीथ में, जैसे आप कह रहे हो गैप्स है, गैप्स नहीं है, आगे पीछे है. हाँ. लेकिन कुछ लोग जैसे गैप्स होते हैं, मेरे फ्रेंड है, गैप्स की वजह से उन्होंने ब्रेसेस लगवाए, तो मतलब गैप्स अपने आप जा सकते हैं या वही ब्रेसेस लगा के ही ठीक करने पड़ेंगे? नहीं जाते, उसके लिए इतना पूरी प्लानिंग करके आए होते हैं. प्लानिंग नहीं, उसके लिए तो निधि जी को ना कोई वो अल्लाह दिन का चिराग या कोई सुपर पावर चाहिए, तभी हो पाएगा. सॉरी, तभी हो पाएगा. वैसे तो यूजुअली अगर गैप है तो गैप मिलीमीटर, मतलब माइक्रोमिलीमीटर बाय माइक्रोमिलीमीटर बढ़ता ही है या स्टैग्नेंट हो जाता है, कभी स्टॉप नहीं होता. मतलब कभी ऐसा नहीं है कि आपने अचीव कर लिया और उसके बाद कुछ नहीं होगा. बहुत स्लाइड आई हैव सीन पेपर्स जो कहते हैं मैम आप ये देखो, पहले हम ऐसे देखते थे, अब गैप आ चुका है. मतलब गैप पड़ता ही है, कम नहीं होता, कभी ऐसा नहीं है. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट इज नॉट अ होलसोल रूल कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये कम. अब जैसे एक सिंपल एक पेशेंट मेरे पास आया, उसके दांत आगे पीछे हैं मान लो. अब ये थोड़ी कि उसके दांत एक आगे है दो पीछे हैं तो अब दो साल बाद मिलूंगी तो वो और आगे आ जाएगा या और पीछे चला जाएगा, ऐसे नहीं. बहुत स्लाइट डिफरेंस आता है जो शायद आप लोग को पता भी नहीं चलेगा, ओनली वी कैन गेट टू नो. एंड एट टाइम्स अगर स्पेसिंग है ही नहीं तो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा. अगर जॉ में स्पेस ही नहीं है तो अकोमोडेट कहाँ करेगा, कहाँ मूव करेगा, क्या करेगा? अब इसकी छोटी सिस्टर है रूहानी, उस दिन भी मैंने उसे कहा कि भाई आप ब्रश अच्छे से नहीं करते, क्योंकि वो कंप्लेंट कर रही थी मेरे इधर दर्द हो रहा है, क्या आप ब्रश ठीक से नहीं करते? नहीं दादू, मैं ब्रश तो बहुत ठीक से करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरा ब्रश ही खराब है. तो ब्रश को प्रॉपर, आप पता नहीं ब्रश बोलते हैं आप लोग तो, हम तो सरकारी स्कूलों में नीचे बैठ के पढ़े हुए हैं, हमें तो पुरानी अंग्रेजी आती है जो सिक्स में ABC सीखी थी. तो इसको यूज करने की भी कोई प्रॉपर टेक्निक है कि कैसे यूज सही ढंग से? अब एक बार ना मैं गया था एक डेंटिस्ट के पास, तो जाते ही मैंने प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने इमीडिएटली वो दो रॉड सी स्टील की डाल दी मुँह में, और साथ में ये पूछ रहे हैं ब्रश कैसे करते हो आप? रॉड मुँह में, मैं बोलने लगा नहीं, बोलना नहीं कुछ नहीं, सवाल भी पूछ रहे हो, मेरा हाथ भी डाल के बोलना नहीं है, तो मैं क्या करूं? मतलब कि उसमें वो अंकल आपको बता नहीं रहे था कि ब्रश कितनी बार करते हो, जरूर कम करते होंगे तभी दांत खराब. फिर मैंने कहा ऐसे करते हैं, नहीं ये तो बिल्कुल गलत तरीका, आपको ऐसे करने चाहिए. तो सही टेक्निक क्या है ब्रश करने? हम यूजुअली एडल्ट्स के लिए हम प्रेफर करते हैं अप से डाउन, अच्छा, एंड लो से अप. अच्छा, ऊपर वालों के लिए नीचे, ऊपर वाला गन नीचे आना चाहिए ताकि हम स्पिट कर दें, नीचे वाला ऊपर जाना चाहिए ताकि हम स्पिट कर दें. ठीक, बाकी आप हॉरिजॉन्टल एंड बट ऐसे सर्कुलर मोशन में करते आइए. हमेशा हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, पेस्ट लगाते हैं, एक तो हम पूरा भर के लगाते हैं, इतनी पेस्ट रिक्वायर्ड नहीं होती. सबसे बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होती है चावल के दाने जितनी, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ो
तो उसके बाद मटर के दाने देती हूँ. मटर के दाना इज ऑलमोस्ट द एप्ट साइज एंड द एप्ट अमाउंट ऑफ टूथपेस्ट वी नीड टू यूज. और हम क्या करते हैं, ब्रश लिया और सीधा मुंह में यूं सामने लगा लिया. नहीं, ब्रश लो और पीछे लगाओ, पीछे से स्टार्ट करके आगे. सामने तो फ्लैट है ना, स्लोप है, कहाँ चिपकेगा कुछ, कुछ भी नहीं चिपकेगा वहाँ तो. पीछे है दांत तो, एम्ब्रेजर्स भी है, डेप्थ भी है, वहां से खाना क्लीन करना शुरू करो ना. मैं बहुत सारी बातें आज 70 साल प्लस में आके सीख रहा हूँ, तो मेरी सभी देखने वालों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को पूरी फैमिली के साथ एक बार नहीं, दो बार, तीन बार जरूर देखना, ताकि आपके दांत जो सुंदर मोतियों जैसे हैं वो हमेशा कायम रहे. क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी, हमारी सक्सेस में, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारी स्माइल का बहुत बड़ा रोल है, तो वो तभी पॉसिबल है कि अगर हम प्रॉपर इसकी केयर करें. और जैसे ये सारे टिप्स शेयर कर रहे हैं, तो आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना. डॉक्टर साहब से और अधिक जानकारी चाहिए, और इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इनका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे. आप डायरेक्टली इनसे बात करके और भी चीजें, अपने लिए, अपने बच्चों के बारे में जो भी डाउट्स हो, तो वो आप बात कर सकते हैं.